बुहाना उपखंड में सरकारी कॉलेज की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन की चिंगारी अब सिंगाना में भी फैल गई है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। शनिवार को युवा नेता अशोक सैनी के नेतृत्व में शिव मंदिर में बैठक कर प्रदर्शन किया गया। युवाओं ने हाथों में कॉलेज की मांग के बैनर व तख्तियां लेकर रैली निकाली गई। नौजवानों ने पुरजोर आवाज में कहा कि 12 फरवरी को आ रहे बजट में अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुहाना उपखंड में कॉलेज की मांग को स्वीकार नहीं करती है तो इसका परिणाम मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। सभा का नेतृत्व कर रहे अशोक सैनी ने बताया कि कॉलेज नहीं मिली तो युवा सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी तथा साथ ही चुनावों में भी युवा वर्ग सरकार का विरोध करेगा। हम न किसी से भिख मांगते, हम हमारा मांगते। हमें चाहिए सरकारी कॉलेज, छात्र एकता जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद। हमें चाहिए सरकारी कॉलेज, हमें चाहिए सरकारी कॉलेज। सर, 12 फरवरी को बजट आने वाला है तो हम सब युवाओं ने जो पिछले 6 सालों से हम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मांग करते आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे एक बैठक की है जिसमें निर्णय लिया है सभी छात्रों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, कि यदि हमें इस बार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो हम बेबसी और मजबूर होकर के उग्र रूप धारण कर लेंगे और हमें सड़कों पर हम छात्रों को उतरना पड़ेगा। और सब ने आज सिंगाणा में बड़ी मजबूती के साथ इस बात को उठाया है कि हमारी सरकार से ललकार है और पुकार है कि या तो प्रशासन और शासन चेत जाए कि इनके लिए कॉलेज जरूरी है, नहीं तो मैं समझता हूँ 12 की घोषणा नहीं हुई तो यह मांग है हमारी, ये बड़ा उग्र रूप धारण कर लेगी।